रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हम द माउंटेन एंड द स्क्विरल पोएम कर रहे हैं। आज हम उसका क्वेश्चन करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। एक सेंटेंस है, उसके आपने तीन ऑप्शन दी हुई है, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। द माउंटेन एंड द डैश हैड अ क्वरल, रैबिट माउस एंड स्क्विरल। आप वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और अभी सोचें कि हम कौन सी चीज़ पढ़ के आए हैं। तो हमने देखा था द माउंटेन एंड द स्क्विरल हैड अ क्वरल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन रिप्लाइड यू आर डाउटलेस वेरी डैश। तो ऑप्शंस हैं स्मॉल, बिग एंड ग्रेट। अब वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और देखें इस पोएम में हम क्या पढ़ के आए हैं और वो यहाँ पे ऑप्शंस फिट कर दें। वन रिप्लाइड यू आर डाउटलेस वेरी बिग, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक इट नो डैश ऑनर डिस्ग्रेस एंड प्लेयर। वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें और देखें कि आप पोएम में क्या पढ़ के आए हैं। आई थिंक इट इज नो डिस्ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर नॉट सो डैश एज आई। तो शाबाश, वीडियो यहाँ पे स्टॉप करें। तो माउंटेन के मुकाबले में स्क्विरल क्या है? You are not so small as I. Next question है, I can't carry dash on my back. Video यहाँ पे stop करें। Forest, mountains और tree में से आप कौन सी option लगाएंगे? शाबाश, देखते हैं answer. I cannot carry forest on my back. क्योंकि mountain के तो forest होते हैं ना mountains के ऊपर। Neither can you dash a nut, lift, crack and pull. तो nuts जो होती हैं उनका hard खोल होता है, तो उनको क्या करते हैं? उनको crack करते हैं। तो वो neither can you crack a nut. शाबाश। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप से तीन सवाल पूछें। Why am I alive? Does my life mean? Is there is purpose for my life? मैं क्यों ज़िंदा हूँ? मेरी ज़िंदगी की कोई अहमियत है? और ये कि मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है? तो सक्सेस इज़ नोइंग योर पर्पस इन लाइफ। अगर हमें अपनी ज़िंदगी का जो है वो मकसद पता चल जाए, तो यही हमारी कामयाबी है। क्योंकि दुनिया तो एक दिन ख़त्म हो जानी है, अगर हम हज़ारों साल भी ज़िंदा रहें। तो जो चीज़ ज़िंदा हुई उसने दुनिया से भी जाना है। तो मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी ज़िंदगी कौन है, मेरी ज़िंदगी में पर्पस क्या है, ये सारी बातों का जवाब हमें कुरान मजीद देता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने ही हमें पैदा किया है इस दुनिया में एक थोड़ी सी मुद्दत के लिए, और क्या मकसद है वो भी अल्लाह ने कुरान में बताया। और अल्लाह ताला ने फिर अपने नबी अंबिया को भेजा और सबसे आखिरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हमारे लिए महफूज किया, ताकि हम अपने मकसद को हासिल करने के लिए किस तरीके पर चलना है वो भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। तो आई एम हेयर टू इंस्पायर, मैं यहाँ पे हूँ हौसला अफजाई के लिए। आई एम हेयर टू टीच, मैं लोगों को सिखाने के लिए। आई एम हेयर टू हेल्प, मुझे लोगों की हेल्प करनी है। आई एम हेयर टू लव, मैंने अल्लाह और उसके नबी से मोहब्बत करनी है और उसकी मखलूक से। आई एम हेयर टू सर्व, मैंने खिदमत करनी है। आई एम हेयर टू फुलफिल अल्लाह पर्पस, जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया मैंने वो पूरा करना है। अलामा इकबाल ने क्या खूब कहा है इस शेर में, ना तू ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहां है तेरे लिए तू नहीं जहां के लिए। यानी हम सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने मेरे और आपके लिए बनाई। और फिर एक और अलामा इकबाल का ही शेर है कि मोहम्मद से वफा तू ने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो प्यारे बच्चों, कुरान को तर्जमे से पढ़ना शुरू करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।